ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। आज का हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा आपको मालूम है, एटम के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे इंडिया के एक सेंट, एक ऋषि ने दी थी। उनका नाम था कणादी। कणादी ने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग करके एटम के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी थी। बाद में बहुत लंबे टाइम तक इसके बारे में ये हिडन रहा, किसी ने इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन 17th सेंचुरी में एक और ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, जॉन डेल्टन ने इसको और एलेबोरेट किया, इसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन दी। और उनकी इंफॉर्मेशन में मेन मेन टॉपिक्स क्या थे, मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। उनके अकॉर्डिंग एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम होता है। एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा था अगर हम किसी सब्सटेंस को डिवाइड एंड फर्दर डिवाइड करें तो हमको जो सबसे छोटी यूनिट मिलती है दैट इज एटम। उन्होंने एटम के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दी। उनका कहना था अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स 100% आइडेंटिकल होंगे। किसी भी तरह से देख लीजिए, मास के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह से देखिए, उसके सारे के सारे एटम 100% आइडेंटिकल होंगे। इसके बाद बाकी जो जानकारियां आई, उन्होंने दूसरी जानकारी दी कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफर होंगी, उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी। ये जानकारी उन्होंने दी। लेकिन बाद के टाइम में हमको मालूम है कि इनके कई बातें गलत हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जहां इनका मानना था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन इसके बारे में बाद के साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और एटम में और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको बाद में फंडामेंटल पार्टिकल्स या मूलभूत कण माना गया। इनमें कौन कौन से पार्टिकल्स सर्च किए गए, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मेन थी। इन रिसर्च ने एटम को डिविजिबल यानी कि विभाजनीय बता दिया कि हम इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कमियां रहीं जो कि डेल्टन क्लियर नहीं कर पाए थे। डेल्टन के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट के सारे पार्टिकल्स पूरी तरह से सेम होते हैं, लेकिन आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद उनका ये थ्योरी, ये बात भी गलत हो गई। इसी तरह से जैसा उन्होंने कहा था दो अलग अलग एलिमेंट पूरी तरह से डिफर होंगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी चेंजेस होते हैं, उनमें भी बदलाव आ गए। जैसे कि दो अलग अलग एलिमेंट के अगर एटॉमिक मासेस सेम आ रहे हैं तो ये बात भी उनकी गलत हो गई थी। ये बात आगे चलती रही थी और इसके बाद जो नई डिस्कवरीज थी उसके बेस पर नए मॉडल्स आए। इनमें एक मॉडल दिया था थॉमसन ने। इनका मॉडल हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस मॉडल ने अपने आप में एक बेसिक फंडामेंटल्स की इंफॉर्मेशन दी। और इसके बाद इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसको हम वाटरमेलन मॉडल या तरबूज जैसा मॉडल भी मान सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड होता है, पूरे में फैला हुआ रहता है और उसके बीच बीच में निगेटिव चार्ज लगे होते हैं। इन्होंने कहा जिस तरह से वाटरमेलन का जो पल्प होता है, जो उसका गूदा होता है रेड कलर का, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना। और जिस तरह से सीड्स एम्बेडेड होते हैं, सीड्स धसे हुए होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बीच बीच में धसे हुए होते हैं। ये मॉडल इन्होंने समझाया, लेकिन इनका भी मॉडल फेल हो गया। उसके पीछे रीजन था, इन्होंने सबसे पहले जितना भी एटॉमिक मास था उसको पूरे में ही डिस्ट्रीब्यूटेड माना। उनका मानना था कि मास किसी एक पॉइंट पर लोकेटेड नहीं होता, बल्कि ये मास पूरे में ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट, ऐसा नहीं होता, आज की रिसर्च में हमको मालूम है। दूसरी बात, इनके अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, अपनी जगह पर रुके हुए नहीं होते हैं। लेकिन इनके मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी यानी कि स्थिर माना था, फिक्स माना था, वो भी इनकी गलती थी। इन सारे गलतियों को देखते हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड,
इन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और उन्होंने एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने गोल्ड फॉयल ली और गोल्ड फॉयल को लेने के बाद उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, और उसके बेस पर कई उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, कई सिद्धांत दिए। इनका जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों ली, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किया। क्योंकि अगर इन्होंने गोल्ड फॉयल की जगह पर कोई और लिया होता तो इसकी नंबर वन इतनी बारीक, इतनी थिन लेयर नहीं बन सकती थी, जो कि एटम लेवल पर थिक थी। हालांकि एल्यूमिनियम की हम बना सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत कम होता है। वहीं पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो बहुत हैवी होता है। अगर हमने गोल्ड के ऊपर अल्फा रे पार्टिकल या अल्फा रे का हमने स्कैटरिंग किया तो अल्फा रे उनको डिसलोकेट नहीं कर सकता, एटम को अपनी जगह से नहीं हटा सकता, न्यूक्लियस को नहीं हटा सकता। वहीं पर अगर एल्यूमिनियम लिया होता तो वो हट जाता, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया। इसके बाद इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो उन्होंने देखा कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे ही निकल गए, उन्होंने कहीं भी रुके नहीं। ये तो कुछ ऐसा ही था जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल से अगर आप जाते हैं तो आप बॉल से टकराकर रुक जाएंगे, लेकिन जहां पर दरवाजे हैं वहां से आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहां तो टोटल एम्प्टी था, पूरी तरह से खोखला था, क्योंकि मोर देन 90% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। ये बहुत बड़ी बात थी। सेकंड थिंग जो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपनी पॉइंट से, अपनी लाइन से डिफ्लेक्ट हुए। उनमें से कुछ छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था, ये औसत की बात कर रहा हूं, 20,000 में से एक का मतलब एग्जैक्ट वो नंबर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, काउंटिंग नहीं, इस तरह से नहीं होती है, ये एक एवरेज नंबर था कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर वापस लौट के आ गया। और इसमें अपनी बायोग्राफी में लिखा भी है रदरफोर्ड ने कि मुझे उस समय इतना ताज्जुब हुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे 21 इंच तोप से निकला हुआ गोला किसी पेपर से टकरा करके वापस लौट रहा है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपके लिए, कि अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पर गया ठीक उसी पाथ पर वापस लौट कर आया। इसका मतलब है कि रास्ते में उनको इतना बड़ा हिंड्रेंस था या इतना तेज रिपल्शन मिला कि वो जिस पाथ पर गए उसी पाथ पर लौट करके आ गए। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा एक सेंट्रल मास, सेंट्रल चार्ज था जिसने इसको वापस लौटा दिया। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 इकाई धन आवेश होता है। वहीं पर जब किसी चीज से टकराकर लौट रहा है, जो इसको बाउंस बैक कर रहा है, इसको वापस फेंक रहा है, निश्चित रूप से उसके पास इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, और वही पॉजिटिव चार्ज था। इसी के बारे में इन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एक बहुत छोटे से पॉइंट पर लोकेट होता है, और इसने थॉमसन के मॉडल को यहां पर डिसप्रूव किया था। इस तरह रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या क्या निष्कर्ष थे उनके? नंबर वन, उनके अकॉर्डिंग हमारा एटम का बहुत बड़ा पार्ट एम्प्टी, हॉलो या खोखला होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे अपने पाथ पर सीधे ही निकल गए, नंबर वन। दूसरी बात, उनका मानना था एटम का सारा मास और सारा का सारा चार्ज एक बहुत छोटे से पॉइंट पर रखा होता है, और ये सेंट्रल पॉइंट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सारे के सारे इसमें मास रखा हुआ होता है। इस तरह से इन्होंने दो बातें यहाँ पर बताई। और जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ का जो खोखला हिस्सा होता है, एम्प्टी पार्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये अपने फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर इस तरह से इन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया अपने मॉडल को, इन्होंने कहा कि सारा का सारा मास एंड चार्ज बहुत छोटे से पॉइंट पर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्टेन पाथ पर ही घूमते रहते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन ना तो कभी पास में आते हैं ना ही कहीं दूर जाते हैं, ये बिल्कुल अपने फिक्स्ड पॉइंट पर ही लगातार घूमते हैं। इन्होंने इसको किस तरह समझाया, उन्होंने ये भी समझाया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है और ये फोर्स उनको बाहर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ पुश करता है, और वहीं पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और जिस पॉइंट पर इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनके अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करता है, ये उतनी ही दूरी पर लगातार घूमते रहते हैं। इस तरह से इन्होंने अपने मॉडल को क्लियर किया था। इनके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा गया था। जिस तरह से सोलर सिस्टम में हमारा सन होता है, वो सेंटर होता है, उसी सन के अराउंड हमारे सारे के सारे प्लैनेट सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्टेन पाथ पर लगातार घूमते रहते हैं, और इस तरह से इन्होंने अपने मॉडल को क्लियर किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी कि इनके मॉडल में बहुत सारी बातें अभी भी उनका आंसर नहीं मिला था, और जिसको जब बाद में स्टडी किया गया तो ये सारी कमियां बाद में निकल के आईं। वो कमियां क्या क्या थी, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकेडमिक्स के लेवल से भी, और आपके कॉम्पिटिशन में भी इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं, उसमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट रदरफोर्ड ने क्लियर किया था, कौन सा क्लियर नहीं किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंपटीशन में। इन्होंने क्या क्या क्लियर नहीं किया, इनके मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक था, इन्होंने ये तो बता दिया कि अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये बताने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस डिस्टेंस पर हैं। इन अदर वर्ड, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं किया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नहीं बता पाए थे। ये थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक था नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने ये तो बताया कि सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन बाद के मॉडल के बेस पर अगर हम इनके मॉडल को कंपेयर करें तो बहुत बड़ा हमें कमी दिखाई देती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड जब घूम रहा होता है तो घूमते टाइम एनर्जी को रिलीज करता है, और जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो अब इसका पाथ छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता जाएगा, एनर्जी रिलीज करता जाएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होने पर ये न्यूक्लियस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा ये पास में आते 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 लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करेगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ एटम इनके मॉडल से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई। दूसरा ड्रॉबैक था इनका, ये दूसरी गलती थी इनके मॉडल की। थर्ड था, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इनका मॉडल फेल हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सर्टेन डिस्टेंस पर घूम रहा है तब उससे एब्जॉर्ब होने वाली और एमिट होने वाली, अवशोषित होने वाली और उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का मान, एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड होगी, न कम होगी न ही ज़्यादा होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे कि बिल्कुल इवन आता है। ग्राफ कैसा आता है इनका, बिल्कुल इवन आएगा, न दूर होगा न पास होगा। लेकिन एक्चुअल जब हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। एक्चुअल ग्राफ या तो हाई पीक के साथ होता है या फिर बिल्कुल लो पीक के साथ में होता है। ऊपर और नीचे जो कंडीशंस आती हैं वो इस बात को बताती हैं कि एक शेल नहीं होता अराउंड न्यूक्लियस, केवल एक ऑर्बिटल या एक शेल नहीं होता, एक से ज़्यादा शेल्स होते हैं, लेकिन ये उनको भी क्लियर नहीं कर पाए थे, ये भी इनका एक ड्रॉबैक था। इस तरह इन्होंने अपने मॉडल में कई कमियां छोड़ दी थी, हालांकि ये उस टाइम की इनकी अपनी लिमिटेशंस थी जो बाद में क्लियर हुई हैं। तो हमने आज आपके साथ क्या डिस्कस किया, हमने आज आपके साथ में रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस किया और उनकी ड्रॉबैक्स क्लियर की। अगर आपको कोई भी इसके बारे में डाउट है तो आप मेरे से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं।
तो आज हमने शुरू से क्या समझा, एक बार हम देख लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने आपको डेल्टन के बारे में एक हिंट दिया था, डेल्टन ने किस तरह डिस्कवरी की थी। उसके बाद डेल्टन की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके ड्रॉबैक्स थे, वो बता दिए थे। उसके बाद हमने थॉमसन मॉडल आपको क्लियर किया। थॉमसन के बाद मैंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बेस पर इनके मॉडल को क्लियर किया, और फाइनली मैंने आपको इनके ड्रॉबैक्स बताए। और इन ड्रॉबैक्स के बाद अब किस तरह से इन ड्रॉबैक्स को दूर किया गया, किस किस ने दूर किया और कौन से मॉडल थे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।